तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब बिगेस्ट बिगेस्ट क्लैश एवर जो भाई साहब हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक रीजन्स पर ये क्लैश हुआ है भाई, ओवरसीज से भी ये क्लैश देखने को मिला है। लाइक सालार, डंकी, एक्वामैन 2, ये तीन फिल्मों का क्लैश एक ही टाइम पर हुआ है, जिनमें से दो मूवी 21 तारीख को रिलीज करी गई थी। डंकी एंड एक्वामैन 2 यानी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम हॉलीवुड से भाई DCU की मूवी है, जो काफ़ी प्यार मिल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से फर्स्ट पार्ट को प्यार मिला गया था इसके वर्ल्ड वाइड में, खैर इंडिया में तो इसकी इतनी धांधली इस बार नहीं चल रही है। पिछली बार जो फर्स्ट पार्ट था एक्वामैन का, वो लगभग 55 या 60 करोड़ फिर भी कमा के चला गया था। इस बार तो 20 करोड़ भी जा पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन सालार और डंकी भाई डोमेस्टिक रीजन पर अच्छा खासा कलेक्शन ले रही हैं, लेकिन ओवरसीज में बहुत अच्छा कलेक्शन इन दोनों मूवी को मिल सकता था। वहाँ एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम इनकी धज्जियाँ उड़ा रही है। तो अभी देखेंगे चीज भाई, फर्स्ट मंडे यानी कल जो क्रिसमस डे खत्म हुआ है, डंकी और एक्वामैन 2 का 5 दिन कंप्लीट हुए एंड सालार का 4 दिन कंप्लीट हुए, कितना क्या कलेक्शन ये तीनों मूवी कर चुकी हैं यहाँ से डोमेस्टिक रीजन से यानी इंडिया से, उसके बाद ओवरसीज से, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो जाता है भाई, सारी चीज़ों पर एक एक करके नजर मारेंगे। पहले सालार को कवरअप करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई साहब, सपोर्ट करिए। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो यार, हम ऐसी जबरदस्त चटपटी चीजें आपके सामने पेश करते रहेंगे। सालार देखते हैं भाई कल सिंगल डे पर, क्रिसमस डे पर क्या हो रहा है इसका, यानी कल डे 4 था। नेट इंडिया से 45 करोड़ 80 लाख आया है, ग्रॉस कलेक्शन 55 करोड़, ओवरसीज से 28 करोड़, पूरी दुनिया से ये मूवी कल 83 करोड़ का कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक कर चुकी थी। जो कल यानी कल एंड ऑफ द डे तक पहले 4 दिन में नेट इंडिया से ये मूवी कितना कमा चुकी है, फिर कल एंड ऑफ द डे तक 254 करोड़ 90 लाख, जिसमें से मेजर जो कमाई रही है वो तेलुगु रीजन से रही है, तेलुगु लैंग्वेज से रही है, 163 करोड़ 10 लाख। उसके बाद हिंदी से भाई, हिंदी से बहुत कोशिश करी गई थी सालार को कि यार ये ना ही कमा पाए, यानी PVR INX का जो क्लैश चला था, आई डोंट नो कि डंकी के मेकर्स ने करा था या जो भी करा था भाई, उसमें पूरी PVR INX के जो डेटा गिरा है, जो इतना नुकसान हुआ है एक सालार मूवी की वजह से, 67 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन पहले 4 दिन में सालार सिर्फ हिंदी से कर चुकी थी, जो बिल्कुल यार इससे भी कम आंकड़ा एज्यूम करा जा रहा था। क्योंकि भाई डंकी ना हिंदी लैंग्वेज में जबरदस्त फाड़ रही है, लेकिन फिर भी प्रभास द डार्लिंग, प्रभास द डायनासोर अपने हक की जो कमाई है लेके जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है। तो भाई ग्रॉस कलेक्शन पहले 4 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक हो चुका था इस मूवी का 301 करोड़ 50 लाख, और ओवरसीज से 175 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक भाई स्लाइटली 500 करोड़ टच करके गई है, 487 या फिर 490 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आ रही, जो कि ह्यूज ह्यूज कलेक्शन है भाई। 4 ही दिन में आप 500 करोड़ स्लाइटली टच कर रहे हो, बिग अचीवमेंट, वो भी एक नहीं दो मूवी के क्लैश होने के बाद भी। क्योंकि ओवरसीज से चलो ठीक है, उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है रुझान, लेकिन एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम अगर ना होती तो ओवरसीज से और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, डंकी इस टाइम रिलीज ना होती तो भाई हिंदी से और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। हु नोज, ये आंकड़ा जो बाहुबली 2 में प्रभास ने सेट करा था 1800 करोड़ का, सालार को पोटेंशियल था जो 2000 करोड़ ईजिली टच कर जाती, लेकिन फिलहाल अभी 1000 करोड़ ये टच करेगी नहीं करेगी, उसके लिए थोड़ा सा सर्वाइव देखने को मिल रहा है। डंकी की बात करते हैं भाई साहब, डंकी ने क्या ही कलेक्शन कर लिया है अभी तक। भाई साहब डंकी के भी सॉलिड रेस्पॉन्स चल रहे हैं, कल फर्स्ट मंडे यानी जो क्रिसमस डे था, यानी डे 5 पर, डंकी के डे 5 पर इस मूवी ने कल नेट इंडिया से 23 करोड़ का कलेक्शन किया है एंड ऑफ द डे तक, ग्रॉस कलेक्शन 29 करोड़, ओवरसीज से 14 करोड़, और पूरी दुनिया से 43 से 44 करोड़ के आंकड़े के बीच में ये कल होल्ड करते नजर आ रही है अपने खाते में। तो पहले 5 दिन में ये आंकड़ा हो जाता है नेट इंडिया से, यानी सिंगल लैंग्वेज, ये मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज करी गई है और सिंगल लैंग्वेज हिंदी से ही देखा जाए तो बहुत सॉलिड कलेक्शन है। एंड हु नोज, ये आंकड़ा 400 करोड़ भी टच करने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि डंकी का कंटेंट बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स अ बिग एंड फुल इमोशनल, फुल कॉमेडियन, एंड कुछ ना कुछ भाई वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स भी देके जा रहे हैं, क्योंकि राजकुमार हिरानी की मूवी है। आप 3 इडियट देख लो, आप PK देख लो, आप मुन्ना भाई MBBS देख लो, वहां से कुछ ना कुछ वहां फन तो मिलेगा, इमोशन भी मिलेगा भाई, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, वही चीज यहां पर भी ये फॉलो करते आए हैं। तो नेट इंडिया से 128 करोड़ 13 लाख का कलेक्शन ये कल एंड ऑफ द डे तक यानी पहले 5 दिन में कर चुकी है डंकी, ग्रॉस कलेक्शन 127 करोड़, ओवरसीज से 117 करोड़ कलेक्शन आ चुका है, और पूरी दुनिया से एंड ऑफ द डे तक यानी कल पहले 5 दिन में 244 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी है सिर्फ हिंदी सिंगल लैंग्वेज से भाई। और लेकिन सालार जो है मल्टी लैंग्वेज में रिलीज कर गई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में, बट
डंकी सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में रिलीज करके उसके बाद भी अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिल रहा है। भाई साहब प्रभास के सामने टिकना, द डायनासोर के सामने टिक पाना थोड़ा मुश्किल तो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्त अपने खाते में ये लेके आ रही है। भाई हॉलीवुड की भी एंट्री हो चुकी है, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम वो भी अच्छा कलेक्शन कर रही है, वो अपनी जगह पर, लेकिन भाई बहुत टक्कर दे रही है। हमारी डोमेस्टिक मूवी जो इंडियन मूवीज हैं दोनों बहुत टक्कर दे रही हैं इस हॉलीवुड की मूवीज़ को। भाई एक्वामैन 2 की बात करूं तो डोमेस्टिक मैंने इंडिया में कितना कलेक्शन कर चुकी है, भाई इंडिया में धज्जियाँ उड़ा रखी है इन दोनों मूवीज़ ने इसकी। 13 करोड़ का सिर्फ नेट इंडिया कलेक्शन आया, जिसमें से 15 करोड़ ग्रॉस इंडियन कलेक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरसीज़ का बताऊँ तो ओवरसीज़ में अच्छा खासा कलेक्शन चल रहा है, लाइक यूके, यूरोपियन कंट्री और यूएसए में भाई मार्वल एंड डीसीओ की मूवी को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। दैट्स वाई कि ओवरसीज से 665 करोड़ आते नजर आ रहा है एक्वामैन 2 एंड द लॉस्ट किंगडम का पहले 5 दिन में, यानी कल एंड ऑफ द डे तक, और पूरी दुनिया से ये मूवी 900 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा पहले 5 दिन में ही अपने नाम कर चुकी है। भाई करना भी चाहिए, क्योंकि जो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम है उसका बजट ही लगभग 1400 से 1500 करोड़ के आसपास है, तो ये मूवी अभी अपना बजट रिकवरी नहीं कर पाई है। जैसा कि हमने अगर हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी मूवी की बात करें जो 3500 करोड़ के बजट में आई थी, भाई अवतार द वे ऑफ वाटर, भाई सब 3500 करोड़ का बजट था उसका, लेकिन वर्ल्ड वाइड रीच अच्छी रहती, इसकी वजह से इनका कलेक्शन भी हाई रहता है। तो भाई देखा जाए तो एक्वामैन 2 बहुत सर्वाइव कर रही है, इतना अच्छा कलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं अवतार द वे ऑफ वाटर से कंपेयर इसको करूँ तो भाई पहले 4-5 दिन में ही उस मूवी ने अपना बजट रिकवरी कर ली थी, यानी 4000 करोड़ के आसपास कमाई कर ली थी, लेकिन ये मूवी सिर्फ 900 करोड़ ही कमाई कर पाई है अपने पहले 5 दिन में। तो आप समझ ही सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा लो ग्रोथ है। तो तीनों मूवी भाई देख ली है, अगर आपने भी देख ली है तो कैसी लगी आपको? बाकी डंकी, सालार, भाई कौन मूवी 1000 करोड़ टच करके जाएगी, क्योंकि डंकी तो खैर मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगी, लेकिन 500 करोड़ क्या ये टच कर पाएगी, नहीं कर पाएगी लाइफ टाइम कलेक्शन, एंड सालार क्या 1000 करोड़ टच कर जाएगी? आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी भाई एक्वामैन 2 क्या 2000 करोड़ टच कर जाएगी, जो भी आपकी राय है, मिलते हैं अगली वीडियो में।